सन 2021, कर्क लग्न कर्क राशि। आपके संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं और आप सभी लोगों का स्वागत भी करता हूं मेरे चैनल पे। बताऊंगा कर्क लग्न कर्क राशि वाले 2021 में क्या क्या घटित होगा। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने 2021 में आपके लिए किस किस क्षेत्र वालों के लिए और किस प्रकार की उपलब्धियां प्रदान की हैं। ऐसे तो प्रत्येक माह ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है और हर राशि परिवर्तन का कुछ न तो कुछ फल पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। कभी-कभी तो समझ में ही नहीं आता है कि पूरे का पूरा राशि फल वार्षिक का कम से कम समय में कैसे प्रेजेंट किया जाए। मेरा प्रयास यही है कि मैंने वो सब महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने उठा करके प्रेजेंट किया है ताकि आप कम से कम कम समय में यह समझ पाए कि जीवन में 2021 में आपके लिए किन किन क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, मेरा जो यह राशि फल रहेगा यह लग्न पे आधारित रहेगा, परंतु अगर किसी का लग्न नहीं है तो आप राशि से भी या फिर अपने नाम राशि से भी यानी कर्क राशि से भी अपनी 2021 की वार्षिक राशिफल को देख सकते हैं। कर्क लग्न कर्क राशि वाले, वर्ष का शुरुआत नो डाउट बहुत ही शुभ स्थितियों में होने वाला है। मैं बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने मेष से लेकर के मिथुन तक का वार्षिक राशिफल को अपलोड कर दिया है, परंतु मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है और 2 दिनों से मैं कैलकुलेशन में भी लगा हुआ था कि कर्क लग्न और कर्क राशि का कुछ ज्यादा ही फल पॉजिटिव है। शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन पे हो रहा है क्योंकि शुरुआत जो हो रहा है यह मंगल के रुचक योग से हो रहा है, शनि और बृहस्पति के नीच भंगराज योग से हो रहा है, शनि के सस योग से भी हो रहा है और साथ में जो है सूर्य और बुध साथ में बैठ करके एक महान बुध आदित्य योग राजयोग के श्रेणी में जो है लग्न का यानी 2021 का शुरुआत हो रहा है। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, चंद्रमा है आपके लग्न के मालिक, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, लेकिन 2021 में आप मन में यह प्रण ठान लीजिए कि आने वाला 2021 आपको किस तरीके से अपने जीवन के कर्म क्षेत्र को अपने कार्यशैली को बदल करके चलना है। महत्वपूर्ण जानकारी यह मैं देना चाहता हूं। ऐसे तो आप स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, कुछ लोग अगर आपके सामने क्रोधित होकर के बात करना चाहते हैं या आपको दबाने का प्रयास करते हैं तो आपके अंदर रिएक्ट करने की भावना डेवलप होती है। आप यह प्रण ठान लीजिए कि 2021 में किसी भी तरह से आप किसी के सामने रिएक्ट नहीं करेंगे, थोड़े से सहने की आदत डालिए और जो भी व्यक्ति को जरूरत है निश्चित तौर पे उसकी सहायता कीजिए, लेकिन भावुकता बस चालाक आदमी के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि चालाक आदमी भावुकता बस आपको ठगने का प्रयास जीवन भर करता रहता है। तो 2021 में आप अपने बुद्धि तीव्रता से और अपने आलस्य को त्याग करके अपने क्रोध को त्याग करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लीजिए, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं। और अब आगे बढ़ता हूं, ग्रहों के स्थितियों के बारे में आपको निश्चित तौर पे बताता हूं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि निश्चित तौर पे वहीं पे स्थित रहेंगी, जैसे राहु केतु और शनि, ये तीनों ग्रह इतने महत्वपूर्ण रहेंगे कि ये पूरे के पूरे साल जो है एक ही राशि पे रहेंगे, यानी राहु वृषभ राशि पे पूरा 2021 में रहेगा, केतु वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष रहेगा और शनि मकर राशि में पूरे वर्ष निश्चित तौर पे रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, साल के शुरुआत में राहु आपके कुंडली के वृषभ राशि के आय स्थान में बैठे हुए रहेंगे, यानी पूरे वर्ष जो है राहु आपको धन की कमी नहीं करेगा, पूरे वर्ष राहु जो है आपको उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा, पूरे वर्ष विदेशों से जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी और शुभकारी रहने रह का योग बनेगा। परंतु इसके साथ कुछ खामियां भी हैं जिसको आपको समझने पड़ेंगे। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यह 5वीं दृष्टि से छोटे भाई बहनों के स्थान को देखेगा, हालांकि तृतीय स्थान में राहु शुभ होता है, यानी पूरे वर्ष जो है सरकार की तरफ से और छोटे भाई बहनों की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से आपको जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है यह 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा,
अतः 2021 में थोड़ा सा संतान संबंधित कष्ट, थोड़ा सा शिक्षा और नौकरी संबंधित जीवन में संघर्ष की योग बनेंगे। अतः आप अपने शिक्षा में और अपने काम में विशेष संयम व्रत करके रखें। राहु के झांसे में किसी भी हाल में मत आइएगा। इसके अलावा इनकी नौवीं दृष्टि विवाह स्थान पे भी पड़ेगा। ऐसे तो सातवें घर में इसकी दृष्टि पड़ेगा, यानी सातवें घर में नौवीं दृष्टि पड़ेगा। सातवें घर का राहु तो शुभ होता ही है, लेकिन वह व्यापार के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए, धन के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यानी पूरे वर्ष राहु आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, तो आपको क्या करना है, किसी भी हाल में राहु के झांसे में नहीं आना है। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुनिए, केतु आपकी कुंडली में पांचवें घर में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेगा और यह पांचवें घर में विराजमान होकर के संतान संबंधित कष्ट, लॉटरी सट्टा जुआ में थोड़ा नुकसान देने की संभावना और मानसिक स्थितियों को जो है और बुद्धि में कमी करने का प्रयास करेगा। तो पूरे वर्ष 2021 में इन सभी चीजों पे आप एकाग्रता करके रखिएगा। प्रेम संबंध में किसी भी हाल में जो है आप अविश्वास का शिकार मत बनिएगा। प्रेम संबंध में किसी भी हाल में जो है आप शक अपने जीवन साथी पे या अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर कदापि मत करिएगा। हालांकि इनकी पांचवी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगा, जो पूरे वर्ष जो है आपको धार्मिक कृत्य से और धर्म की ओर विश्वास से जो है कमी करने का प्रयास करेगा। आय स्थान पे केतु का दृष्टि निश्चित तौर पे धन की कमी तो नहीं करेगा। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, आय स्थान का राहु, आय स्थान पे केतु की सातवीं दृष्टि, पूरे वर्ष आपको धन की कमी हो ही नहीं सकता। आपके धन के मामले में आपकी कुंडली बहुत ही उच्चतम कुंडली मैं मानता हूं। इसके अलावा जो है केतु की नौवीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगा। लग्न पे पड़ने के कारण पूरे वर्ष चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी की संभावना, हेयर फॉल की संभावना है। मान सम्मान नीचे लोग गिराने का प्रयास करेंगे आपको, और साथ में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आपको बाधा उत्पन्न करेगा। यानी पूरे वर्ष अगर आपको कोई अपमान करने का प्रयास करता है, या कोई नीचे गिराने का प्रयास करता है, या क्रोधित बनाने का प्रयास करता है, या फिर आपके आत्मसम्मान को किसी बात को लेकर के ठेस पहुंचता है, तो आप कोशिश करिएगा इन सभी बातों को स्किप करने का, नेगलेक्ट करने का। नहीं तो राहु और केतु के अगर झांसे में आप आते हैं तो जीवन आप क्या जिएगा, अपने मान सम्मान और अपने इज्जत को बचाने में ही पूरा वर्ष आप बर्बाद कर दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि यह जानकारी आप विशेष तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि शनि महाराज जो है अपनी राशि में सातवें घर में सस योग नामक राज्यों की उत्पत्ति तो कर रहा है। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, यह बात मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, और एक ज्योतिष होने के नाते भी आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि सप्तमेश शनि सस योग के निर्माण तो निश्चित तौर पर कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में यह बहुत शुभ नहीं रहेगा। मैं बताना चाहता हूं किस मामले में बहुत शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए सातवें घर में शनि, जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों को तो कहीं से भी शनि नुकसान 2021 में दे नहीं सकता है। हालांकि मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य में शनि वक्र अवस्था में रहेंगे, अतः मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य में जो है थोड़े से इन सभी क्षेत्र वालों को संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि शनि आपकी कुंडली के में आठवें घर के भी अधिपति हो रहे हैं, यानी पूरे वर्ष जो है आप को ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाएं कमेंगी। इसके अलावा खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड विवाद भी आपके पूरे वर्ष सॉल्व होने की संभावनाएं बन जाएंगी, और साथ में अष्टमेश शनि जो है बड़े बड़े केस मुकदमा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको जो है बचाने का निश्चित तौर पर प्रयास करेगा। परंतु शनि के कुछ नकारात्मक तत्व हैं जिसको आपको निश्चित तौर पे कर्क लगन और कर्क राशि वाला समझना चाहिए। क्या है कि शनि लग्न पे दृष्टि डालेगा, जिस कारण से फिर से आपको मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब लग्न पे केतु की भी दृष्टि है और लग्न पे शनि की भी दृष्टि है। मैंने फिर से बोला, मानसिक तनाव की स्थितियां पूरे वर्ष आपकी बनी रहेगी, अतः इस चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सातवीं दृष्टि संपत्ति हाउस पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। मैंने बोला आय के लिए बहुत अच्छा है और संपत्ति के लिए भी दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा है। इसका बेसिक रीजन ये है कि तुला राशि पे इनकी दसवीं दृष्टि चौथे हाउस पे पड़ने के कारण संपत्ति में वृद्धि तो करेगा ही करेगा, साथ में अन्य वाहन और अन्य संपत्ति में जो है और ज्यादा वृद्धि करेगा। हालांकि तीसरी दृष्टि इसके भाग्य स्थान पे पड़ने के कारण
कुछ कारणों से पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कर्क लग्न कर्क राशि वाले, जब भी कोई लग्न का निर्माण होता है तो उसके लग्न के और पांचवें और नौवें घर के अधिपति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपके कुंडली में देखिए कि भाग्य स्थान यानी नौवें घर का स्वामी जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, बृहस्पति आपके कुंडली में जो है छठे घर का और नौवें घर का अधिपति होता है। तो जब बृहस्पति की यह कंडीशन है तो बृहस्पति की स्थितियों को आप निश्चित तौर पर समझिए। बृहस्पति जो है शनि के साथ जो है आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि अप्रैल तक जो है नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति में रहेगा। यानी बृहस्पति जो है कहा जाता है कि शनि के साथ अपनी राशि में बैठ गया है और शनि अपनी राशि में और बृहस्पति नीच की राशि में है तो इसको नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेगा। यानी अप्रैल तक शिक्षा संस्थान दैविक संस्थान यानी धार्मिक संस्थान, लॉ से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड, CA CS फाइनेंस, इसके अलावा आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड लोगों के लिए पूरे वर्ष जो है थोड़ी से संघर्ष की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए पूरे वर्ष में संघर्ष की संभावनाएं रहेंगी। परंतु 6 अप्रैल से बृहस्पति जो है यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद बृहस्पति का क्षेत्र जो है वह 8वां घर पे आधारित रहेगा। और कहा यह भी जाता है कि कर्क लग्न में बृहस्पति कहीं भी हो तो बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति नहीं करता है। यानी बृहस्पति की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः 6 अप्रैल तक तो आपका समय ऑलमोस्ट मिला जुला करके बहुत बढ़िया रहेगा। 6 अप्रैल से लेकर के जून तक हमें बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे, इस समय थोड़ा सा आपको संघर्ष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय प्रमोशन और पदोन्नति में भी आपको जो है संघर्ष का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति शुभ फल नहीं देंगे। हालांकि बृहस्पति जो है पुनः जो है 14 सितंबर को मकर राशि में लौट करके फिर पुनः जो है नवंबर में कुंभ राशि में लौटेंगे। यानी पूरे वर्ष जो है इन सभी क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति शुगर, थायराइड और मोटापा और पैरों के सीधे अधिपति होते हैं। तो पूरे वर्ष जो है पेट संबंधित प्रॉब्लम, शुगर संबंधित, थायराइड संबंधित, बीपी संबंधित समस्याएं पूरे वर्ष जो है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या इससे स्पष्ट होता है कि पूरे वर्ष जो है अपने शरीर का विशेष तौर पे आपको ख्याल रखना है और सप्तमेश बृहस्पति जो है शनि के साथ बैठ करके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अतः पूरे वर्ष आपको अपने दाम्पत्य जीवन को विशेष ख्याल दे करके, जीवन साथी को टाइम दे करके, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण करके पूरे वर्ष जो है आपको व्यतीत करना है। ज्योतिष का धर्म होता है सत्य बोलो, निश्चित तौर पे थोड़ा सा कड़वा तो लगेगा ही। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे। देखिए प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब साल का शुरुआत हो रहा है तो मंगल जो है रूचक नामक राज्यों की उत्पत्ति कर रहे हैं और 22 फरवरी तक मंगल मेष राशि में रह करके रूचक नामक राज्यों की उत्पत्ति करेंगे। फिर 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल जो है वो आय स्थान में चले जाएंगे। यानी साल का शुरुआत इतना पावरफुल और इतना दमदार होने वाला है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक, जिसमें खास करके जो है 22 फरवरी तक जो है नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। पंचमेश मंगल होने के कारण शिक्षा में और इसके अलावा जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, पॉलिटिशियनों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए 22 फरवरी तक बल्ले बल्ले रहने वाला है। हालांकि फिर मंगल जो है वह चले जाएंगे 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक आय स्थान यानी वृषभ राशि में। इसके बाद भी इन सभी क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ के योग निश्चित तौर पर बनते हैं। यानी फरवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य में, 14 अप्रैल के मध्य में विदेश यात्रा, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, सीनियर से रिलेशनशिप ठीक होंगे और साथ में जो है हर देश की सेना मजबूत होगी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। और इसके अलावा जो है पिता से रिश्ते भी बहुत ही हद तक अच्छे हो जाएंगे। नौकरियों में जो परेशानियां चल रही थी वह तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में जो व्यक्ति ब्लड से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से परेशान रह रहे थे उन सभी लोगों की भी समस्याएं बहुत हद तक कर्क लग्न और कर्क राशि वाले ठीक हो जाएंगे।
हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी जुड़ता है कि साल के अंतिम समय दिसंबर में बृहस्पति जो है, माफ करिएगा, मंगल जो है वह पांचवें घर में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में आकर के पुनः राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, रुचक नामक राज्यों की। यानी साल का शुरुआत से लेकर के मिड तक का और अंतिम अंतिम साल में भी जो है मंगल आपको यथा सक्सेस और यथा सफलता दे करके ही जाएंगे। हालांकि कुछ स्थितियां मंगल की बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। 14 अप्रैल से 2 जून तक समझते जाइएगा, 14 अप्रैल से 2 जून तक मंगल जो है वह स्थान पे विराजमान रहेंगे। जब मंगल वह स्थान पे विराजमान रहेंगे तो इस समय जो है धन का व्यय होगा, प्रेम संबंध में अस्थिरताएं आएंगी, नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि जस्ट इसके बाद मंगल जो है कर्क राशि में नीच के भी हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, साल का शुरुआत में केंद्राधिपति राज्यों की उत्पत्ति भी हुआ, रुचक योग की उत्पत्ति भी, बहुत सारे योग की उत्पत्ति हुए, लेकिन अंत अंत समय में मतलब मध्य में मंगल का फल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। यानी मैंने बताया 2 जून तक मंगल आपको परेशान करेगा और 2 जून से 20 जुलाई तक जो है मंगल नीच स्थिति में रहेंगे। अतः इस समय जो है आपको मानसिक तनाव, धन की कमी, नौकरियों में परेशानी और इसके अलावा अस्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा। अतः आपको 14 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक किसी भी सूरत में कोई भी बड़ा फैसला जीवन का नहीं लेना है, और नहीं तो फिर बर्बादी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस समय आप शांत रहिएगा। प्रिय कर्क लगन कर्क राशि वाले, सूर्य आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं। यानी जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल कपड़ा, कांच, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड सरकारी कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, यही नहीं उच्च पद की प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि रॉ हो गए, जासूसी के कोई भी क्षेत्र हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए, इन सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो है मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, एकदम समझते चले जाइएगा, 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक गजब का बूम का योग रहेगा और सफलता की श्रेणी पूरे वर्ष रहेगी। कुछ समय को छोड़ करके मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य की स्थिति पूरे वर्ष कुछ समय अच्छे नहीं रहेंगे, उस समय इन सभी क्षेत्र वालों के लिए कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और वह क्या है मैं बताना चाहता हूं, 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में यानी आठवें घर में विराजमान रहेंगे। अतः इस समय आपको क्या करना है, सावधान रहना है, क्योंकि इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद, प्रेम संबंध में अस्थिरताएं, व्यापार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सरकार की तरफ से अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई फ्रेंड आपके जबरदस्त धोखा देंगे, अतः इस समय आपको सावधान रहना है। हालांकि यह और भी कुछ अशुभता सूर्य लेकर के 2021 में आया है, यही सेम परेशानी जो है आपको 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक देखने को मिलेगा। अतः 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक पुनः आपको सावधान रहना है और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक जो है सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में नीच के रहेंगे। यानी साल के अंतिम अंतिम समय में सूर्य जो है माता को कष्ट, पिता से मतभेद और अस्थिरताओं का सामना करा सकता है। अतः इस समय आप कोई भी स्थिति में कहीं से भी प्रॉपर्टी का लॉस सहने के लिए प्रयास मत कीजिएगा, मतलब प्रॉपर्टी बेचने का कोशिश मत कीजिएगा। इस दांपत्य जीवन में प्रेम स्थितियों को बना करके रखिएगा, मित्रों से मतभेद मत कीजिएगा, पार्टनरशिप में कोई भी मतभेद मत करिए और नौकरी तो भूल के भी परिवर्तित मत कीजिएगा या व्यापार। कर्क लगन कर्क राशि वाले, अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर शुक्र का। प्रिय कर्क लगन कर्क राशि वाले, यह एक अपवाद बोलू या जो बोलू, क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि में जो है शुक्र आय के और संपत्ति के मालिक होते हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि केंद्र के मालिक, आय के मालिक कभी भी अशुभ फल दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सूर्य जो शुक्र जो है
कर्क लगन और कर्क राशि में कभी अशुभ फल देते ही नहीं है। फिर भी अब सुनिए क्या होगा। 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक शुक्र आपकी कुंडली में छठे घर में विराजमान रहेंगे, यानी 4 जनवरी से 28 जनवरी तक आपको सावधान रहना है। इस समय शत्रु संबंधी थोड़ी सी परेशानी, कर्ज का योग बढ़ सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, म्यूजिशियन से रिलेटेड और साथ में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों के लिए जो मैं तिथि बताता हूं 2021 में, जो मैं समय बताता हूं, महत्वपूर्ण समय है, इसको नोट करिए। और मैं बताना चाहता हूं 4 जनवरी से 28 जनवरी जब शुक्र छठे घर में अशुभ फल देंगे, 21 फरवरी से 17 मार्च जब शुक्र आठवें घर में हो जाएंगे तो अशुभ फल देंगे, और 11 अगस्त से 6 सितंबर जब शुक्र नीच के रहेंगे, इस समय जो है आपको संपत्ति संबंधी थोड़ा सा तनाव, माता का स्वास्थ्य खराब, आय में कमी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी बाधाएं और साथ में जो है मानसिक तनाव के साथ पराक्रम में कमी करने का प्रयास करेगा। अतः इस समय जो भी इस प्रकार के इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, भूल के भी रिस्क मत लीजिएगा और इस समय भूल के भी ज्यादा पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत करिएगा। जब कोई भी ग्रह खराब होता है तो वह मति बुद्धि को भ्रष्ट करके पैसे को खर्च कराने का प्रयास करता है। परंतु शुक्र कुछ ऐसे भी समय रहेंगे जो इस प्रकार के क्षेत्र वाले लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और बलशाली फल प्रदान करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कब। ऐसे तो राशिफल का शुरुआत में ही 2021 के शुरुआत में ही शुक्र बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। 4 मई से लेकर के 29 मई इस समय शुक्र देव जो है उच्च के रहेंगे, पदोन्नति प्रमोशन का योग बनेगा, हैवी व्हीकल्स और हैवी संपत्ति का योग बनेगा, माता से लाभ गुप्त धन की प्राप्ति के साथ में कहीं फंसे हुए पैसे प्राप्त होंगे। इसके अलावा आगे की बात अगर सुनिए, 6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक शुक्र जो है तुला राशि में चतुर्थ स्थान में बैठ करके मालवीय युग उत्पत्ति करेगा, यानी 4 मई से 29 मई, 6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक मालवीय युग उत्पत्ति करेगा। सभी चीजें प्राप्त होंगे इस समय आपको, जीवन के कोई भी ऐसे कर्म क्षेत्र नहीं रहेंगे जिसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति नहीं होगी। अब कर्क लगन और कर्क राशि वाले, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपके लिए निकाली है जो 2021 में लाभकारी रहेगा। जैसे विवाह के लिए उपयुक्त समय जो रहेगा, यानी सारे जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उनके लिए जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर का महीना 2021 में अत्यंत शुभ और लाभकारी है। इस समय जिनके विवाह में भी प्रॉब्लम थी या जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, इस समय वैवाहिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर संपन्न होंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। नौकरी की बात अगर मैं करना चाहूं तो अप्रैल और मई में अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी और अत्यधिक नौकरी में सफलताओं की प्राप्ति होगी, यानी 2 महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले 2021 में नौकरी के मामले में। आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, धन लाभ और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और विदेश आवागमन के लिए और शिक्षा में उन्नति और संतान के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण, समझ लीजिए कि समय बताने जा रहा हूं आपको, फरवरी से अप्रैल इन यह तिथि में आपको नौकरी में परिवर्तन, साथ में जो है संतान की प्राप्ति, शिक्षा के योग बहुत ही प्रबल बनेंगे। मई और जून और सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में बहुत ही उपयोगी समय रहेगा। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अब सवाल उठता है कि कौन सा उपाय कर ले ताकि 2021 में किसी प्रकार की भी बाधाएं उत्पन्न हो ही ना। तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले, पूरे वर्ष जो है अपने शरीर में आप चांदी का कोई न तो कोई टुकड़ा अवश्य धारण करके रखिए। प्रिय कर्क लगन कर्क राशि वाले, और आप चाहते हैं कि 2021 आपका संपूर्ण तौर पर अच्छा हो तो शनिवार के दिन दक्षिण दिशा के तरफ मिट्टी के दीपक में सरसों तेल डाल करके, काला तिल डाल करके,
दक्षिण दिशा की ओर दीप प्रज्वलित करें रात्रि के समय, और नहीं तो पीपल पेड़ में पूरे वर्ष जलाइए, क्योंकि शनि का प्रभाव जितना कम होगा दाम्पत्य जीवन उतना सही होगा। वो कहते हैं ना कि पैसे रहने से सुख नहीं मिलते, और सुख भोगना हो तो पैसे का क्या काम। तो हर चीजों का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग और उपयोग होता है। इसके अलावा जो है केतु के प्रभाव को कम करना अत्यंत आवश्यक है। हर सैटरडे के दिन, पूरे शनिवार के दिन आटा की गोलियां बना बना करके नदी तालाब झील में मछलियों को दीजिए। केतु का प्रभाव जितना कम होगा उतना लाभ मिलेगा। कम से कम पूरा सप्ताह नहीं, अगर चाहे तो पूरा सप्ताह या शनिवार के दिन जो है कुत्तों को बिस्किट या रोटी अवश्य दीजिए। डायरेक्ट यम है, केतु की शांति का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता है, या पाल लीजिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण उपाय जो अंतिम समय में बताना चाहता हूं, कर्क लगन कर्क राशि वाले 2021 में आप जो है किसी भी हाल में जो है सोमवार के दिन किसी को पैसे मत दीजिएगा, नहीं तो रिश्ते हो जाएंगे खत्म। और सोमवार के दिन जो है कम से कम जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए, और प्रयास कीजिए कम से कम पूरा सप्ताह या सप्ताह में दो दिन सोमवार को और बुधवार को चंदन का तिलक लगाने का, और चंदन रहेगा सफेद। प्रिय कर्क लगन कर्क राशि वाले, 2021 का संपूर्ण राशिफल बहुत ही बृहत रूप से और बहुत ही टू द पॉइंट पॉइंट मैंने बात किया है। कुछ बातें आपके लिए मोटिवेशनल भी है, ताकि उस चीजों को एब्जर्व करें और समझे और हालात को बदले। हर चीज उपाय नहीं होता, हर चीज अंगूठी नहीं होती, कुछ चीजें मनोवृत्ति में परिवर्तन करने पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, 2021 आपका मंगलमय हो और इससे अच्छा साल कभी ना हो, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।